लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी बीजेपी की बची हुई 24 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर लगातार मंथन कर रही है। दिल्ली के प्रधान कार्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकें हो रही हैं। वहीं सोमवार को बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे। इस बैठक में बची 24 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर मंथन होगा। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी 24 लोकसभा सीटों में मौजूदा सांसदों के टिकट काटने की तैयारी में है। आपको बता दें कि प्रत्याशियों की पहली सूची में बीजेपी ने 51 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें कई अहम सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया था। 80 सीटों में से बीजेपी 5 लोकसभा सीटें सहयोगी दलों को दे दी है। इनमें 2 अपना दल एस और 2 रालोद को, तो वहीं 1 सीट सुभासपा को दी गई। अब बीजेपी ने तय किया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में नए चेहरों पर भी दांव लगाया जाएगा। खबर है कि यूपी में 2 राज्यसभा सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, जिसके बाद मौजूदा सांसदों के टिकट कटने के बाद उनकी जगह चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। इसके अलावा कुछ विधायकों को भी चुनाव लड़वाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी ने तय किया है कि उम्र दराज और नॉन परफॉर्मेंस वाले सांसदों को इस बार टिकट ना दिया जाए। 75 पार के दायरे में आने वाले सांसदों में प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी, कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी, बहराइच के सांसद अक्षय वरलाल, बरेली के सांसद संतोष गंगवार शामिल हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस या फिर विवाद में रहने को लेकर जिनके टिकट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा नाम कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह है। तो वहीं मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल, पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी, सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी भी इसी लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा गाजियाबाद से वीके सिंह का टिकट भी कटने की संभावनाएं जताई जा रही। आपको बता दें कि अगर पुराने चेहरों का टिकट कटा तो 24 सीटों पर ज्यादातर नए चेहरे मैदान में उतरेंगे। बीजेपी की मंशा है कि वो विवादित या परफॉर्मेंस पर खरा न उतर पाने वालों की जगह नए चेहरों को मौका दे। जिन सांसदों के टिकट कटेंगे उनकी जगह चर्चित नाम लाने की भी तैयारी है। इनमें गाजियाबाद से राज्यसभा सांसद अरुण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं मेरठ से कवि कुमार विश्वास या फिर राम की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल का नाम भी चर्चा में है। कैसरगंज से ब्रजभूषण की जगह उनके बेटे प्रतीक भूषण को टिकट भी दिया जा सकता है। कानपुर से पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का नाम चर्चा में है, तो रायबरेली से राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने वाले सपा विधायक मनोज पांडे को टिकट दिया जा सकता है। सुल्तानपुर में भी नया चेहरा लाया जाएगा। लखनऊ की सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह को भी सुल्तानपुर से लड़ाया जा सकता है। फिलहाल इन खबरों पर मुहर बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के बाद ही लगेगी। आपको बता दें कि शनिवार को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था, जिसके मुताबिक 19 अप्रैल से वोटिंग शुरू होगी और 4 जून को पूरे 7 चरणों का चुनाव परिणाम आएगा। वहीं चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सभी दल और जोर लगाकर चुनाव की तैयारियों में जुट गए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।